हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवरीथिंग होममेड पे। एंड आज मैं आप लोग के साथ इसी वाले ब्राइडल अनारकली कुर्ता सेट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट दोनों ही बताने वाली हूँ, और कहाँ से परचेज करना है, कितने का है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या ओपन करें, तो सबसे पहले हम इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। दुपट्टा हमें कैसा रिसीव हुआ है इस कुर्ता सेट में? वैसे ही दुपट्टा पैंट फिर उसका सूट। दुपट्टा हमें नेट का रिसीव हुआ है, और नेट काफी अच्छी क्वालिटी की यूज की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मतलब वेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुपट्टे के कलर की बात की जाए तो ये ब्राउन कलर में है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम इसे वेयर करते हैं। तो सी बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड गोल्डन कलर का कटआउट लेस इसमें स्टिच किया गया है, जो कि इसी में वर्क किया गया है दुपट्टे के ऊपर। ये एक लेस वर्क नहीं है, पूरी की पूरी वर्क की गई है। सी सीक्वेंस वर्क किया गया है गोल्डन कलर का, जड़ी का वर्क किया गया है, गोल्डन कलर का सीक्वेंस यूज किया गया है। और ये कटआउट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है इसमें दुपट्टे के लेस में, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, ये कटी हुई है, तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम किया। एंड दुपट्टे के दोनों ही साइड ये वाला वर्क मिल जाता है। बट अगर दुपट्टे की निचले साइड की बात की जाए तो निचले साइड में हमें लेस नहीं मिलता है दोनों ही साइड में, और पूरे के पूरे दुपट्टे में आपको ये वाली बूटियां मिल जाती हैं, जो कि गोल्डन कलर के सीक्वेंस वर्क के साथ की गई हैं, जड़ी के साथ की गई हैं। तो ये ओवरऑल दुपट्टा जो है वो गोल्डन थीम पे है, को ब्राउन कलर को कलर जो भी आप कह लो उस कलर पे ये वर्क किया गया है, और बूटियां आप देख सकते हो पूरे दुपट्टे पे हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। और अभी आप मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा उसे। इसके साथ हमें ये वाला कपड़ा रिसीव हुआ है, जो कि मैंने इसके पहले भी एक ब्राइडल कुर्ता सेट का रिव्यू किया था, बहुत ही खूबसूरत था वो, लेकिन उसके साथ हमें पैजामा नहीं आया था क्योंकि वो एक गाउन था और ये भी गाउन ही है। बट इसमें सेलर ने हमें ये कपड़ा प्रोवाइड कराया है, जो कि फैब्रिक है, इसे आप स्टिच करा सकते हैं पैजामे के अपने नाप के। ये नॉर्मल फैब्रिक है, अनस्टिच फैब्रिक, और ये भी ब्राउन कलर का ही है, प्रॉपर ब्राउन कलर है और अच्छी फैब्रिक है। बट मुझे नहीं लगता कि इस कुर्ता सेट पे आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ये एक्स्ट्रा है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन पीस की, जो कि ये है ब्राउन कलर का वेलवेट का कुर्ता। आप देख सकते हैं पूरा वेलवेट का कुर्ता है, और बहुत ही खूबसूरत है। इस पे गोल्डन सीक्वेंस वर्क किया गया है, इसकी बूटियां दी गई हैं पूरे के पूरे सूट पे। अगर हम इसके फैब्रिक की बात की करें तो बहुत ही अच्छी वाली फैब्रिक यूज की गई है। एंड अंदर में इसके ये वाला कपड़ा यूज किया गया है, जो कि हमें पैजामे के लिए मिला था, और ये भी अगेन बहुत ही कंफर्टेबल है। नेक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिच किया गया था, बट किया गया है, बट मुझे उतना फिनिशिंग नहीं लगा, क्योंकि इन्हें इधर से भी इसको ऐसे करके स्टिच करना चाहिए था, तो ये और फिनिशिंग लुक देता। नेक जो है वो राउंड नेक मिल जाता है, जो कि प्रॉपर राउंड नेक भी नहीं है। और आपको जो हाफ साइड का जो ये वाला कपड़ा मिलता है ऊपर का, इसमें ना आपको डिजाइन नहीं मिलता है। इसके पहले मैंने इसी पैटर्न में एक सूट का रिव्यू किया था, उसमें यहाँ पे भी वर्क दिया गया था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड यहाँ पे भी उसमें बेल्ट दिया गया था, तो वो उसके लुक को चार चांद लगा रहा था। यहाँ से आपको स्टिच मिल जाता है, और घेरी बहुत अच्छी दी गई है, जो कि अच्छी खासी मात्रा में है घेरी, आप देख सकते हैं। और प्लेन है ऊपर का साइड, तो प्लेन ही है। एंड स्लिप्स की बात की जाए तो 3-4 स्लिप्स मिली हुई है, 3-4 स्लिप्स, एंड उस पर भी बूटियां दी गई हैं। अगर इन्होंने सूट पे दिया होता तो फिर क्या कहना था, मतलब बहुत खूबसूरत लगता। एंड आप देख सकते हो स्लिप्स पे कितना वर्क किया गया है, बहुत ही अच्छा वाला वर्क किया गया है। एंड आपको गोल्डन सीक्वेंस वर्क एंड जड़ी का वर्क मिल जाता है, जो कि पूरे सूट का पैटर्न ही यही है कि गोल्डन वर्क है, जो वेलवेट पे ही किया हुआ है ये वाला वर्क भी, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, स्लिप्स मुझे इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे इसका नीचे वाला जो पैटर्न दिया हुआ है, जो यहाँ से स्टिच करके दिया गया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसमें पूरी बूटियाँ दी गई हैं और चुन्नटे जो है वो काफी हैं, तो घेर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। एंड आप नीचे का वर्क देख सकते हैं, नीचे का वर्क तो गाइज लहंगे जैसा है, एकदम लहंगे जैसा, प्रॉपर लहंगा है। सी फैलाने में भी दिक्कत हो रही है,
ये देखिए प्रॉपर वर्क है लहंगे जैसा, एकदम खूबसूरत लगता है बहुत ही ज्यादा। और मतलब इतनी अच्छी से फिनिशिंग की गई है। अगर मैं कैमरे को नजदीक करके दिखाने की बात करूं तो आपको इसकी फिनिशिंग दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया है जो कि इसके लुक में चार चांद लगाता है। नीचे से तो ये लहंगा ही लगने वाला है आपके लिए। एंड अगर इसके बैक की बात की जाए तो बैक एंड फ्रंट दोनों में ही यही वर्क मिल जाता है, बूटियां और फिर नीचे में भी वही सेम चीज मिल जाती है। अगर मैं इसके बैक की बात करूं तो बैक में भी वही प्लेन चीज यहाँ से ऊपर के साइड में मिलती है एंड फ्रंट में भी हमें यही प्लेन चीज मिलती है, जो कि मुझे इसका माइनस पॉइंट लगा, क्योंकि सूट को ना खूबसूरती देने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है। स्लिप्स अच्छे दिए हैं, चुन्नटें अच्छी दी हैं, वर्क बहुत ही खूबसूरत किया गया है, दुपट्टा बहुत अच्छा है एंड इन्होंने पैजामे का कुर्ता भी दिया है। बट अगर उन्होंने यहाँ पे दिया होता थोड़ा कुछ वर्क तो शायद और अच्छा लगता, लेकिन शायद इन्होंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मतलब भरा भरा सा ना लगने लगे। बट मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पर देना चाहिए था। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भी सहमति जाहिर करिएगा। तो चलिए अब इसको वेयर करके देख लेते हैं। तो चलिए अब मैं अपना रिव्यू बता देती हूँ। तो मेरा पर्सनल रिव्यू इस सूट को लेकर के बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि नीचे का वर्क, हैंड वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट पिछले वाले सूट में दुपट्टे का भी बहुत बड़ा रोल था एंड उसका दुपट्टा थोड़ा हल्का है एंड पूरी पूरी बूटियाँ तो दी गई हैं, लेकिन ऊपर में जो ब्लाउज वाला हिस्सा है, यानी कि जिसे ब्लाउज वाला हिस्सा कहते हैं, वो प्लेन होने की वजह से थोड़ा मुझे लगा कि माइनस पॉइंट है। बट फिर भी जैसा इमेज में हमें दिखाई दिया था वैसा ही मिला है। और इसमें बटन्स लगाने के लिए मिले थे ऊपर में लगाने के लिए, बट उसको लगाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा खूबसूरत लग पाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो बूटियाँ देनी चाहिए थी ऊपर में। और मैं अभी इमेज भी इसमें अटैच कर ही दी हूँ, जिससे आपको पता चलेगा जैसा मतलब दिखाया गया था वैसा ही सूट रिसीव हुआ है। बस बटन्स अलग से मिले हैं जिन्हें आपको खुद से स्टिच करना है, और थोड़ी बूटियाँ देनी चाहिए थी तो पर्सनली भी मुझे भी अच्छा लगता। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।